फ्राइडे और सैटरडे यानी कि हर ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे मैं आऊंगा शाम को सवा छह बजे आपसे इंटरेक्ट करने के लिए तो वादा पूरा करते हुए मैंने बस थोड़ी ही देर पहले ये रिकॉर्ड किया है सेशन ट्वेल्व हम करेंगे आज और इस सेशन में हम क्या लेके आए आपके लिए पांच बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केटिंग के क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंसेप्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 56 है और ये क्वेश्चन नंबर 56 के पहले मैं 55 क्वेश्चंस और पहले डिस्कस कर चुका हूं और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं पुराने सेशंस तो आप नीचे प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर भी मैं काफी सारा कंटेंट शेयर कर रहा हूँ चले उठाते हैं पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी

तो यहां पर नंबर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज ऑक्यूमेंटेड प्रोडक्ट थर्ड वन इज दी बेसिक प्रोडक्ट फोर्थ वन इज दी पोटेंशियल एंड ऑप्शन नंबर ई इज जेनरिक प्रोडक्ट तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मैं आपको पहले समझा देता हूं कि ये है क्या

काम क्या है कि आपको कनेक्ट कर सके एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति बात कर सके राइट right? उसके बाद आती है बात सेकंड लेवल की जो कि है जेनेरिक प्रोडक्ट दिस रिप्रेजेंट्स ऑल दी क्वालिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट तो इस मोबाइल फोन का बेसिक काम क्या है कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना लेकिन अगर मैं जेनरिक की बात करूं तो आज की डेट में तो फोटो खींचना भी जो है एक जेनेरिक हो गया है आपका फास्ट इंटरनेट 4G कनेक्शन भी जेनरिक प्रोडक्ट का पार आपका जो है इसा बन गया है इस तरीके से और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि थर्ड लेवल क्या होगा तो थर्ड लेवल जो है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यानी कि आप किसी प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं दिस रेफर्स टू ऑल दी बेनिफिट कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट वेन दे परचेज अ प्रोडक्ट इफ यू बाइंग दिस मोबाइल फोन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज अ गुड बिल्ड क्वालिटी एटलीस्ट अ गोरिल ग्लास गुड इंटरनेट कनेक्शन अ गुड बैटरी बैकअप ऑल दीज थिंगली एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड मोबाइल फोन सो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज वॉज दी आंसर इन दिस इज दर्ड लेवल एट विच दी मार्केट इज है उसके बाद आता है ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट इसमें और क्या चीजें एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दें के प्रोडक्ट जो है एक ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट बन जाए सो ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट रिफर्स टू ऑल दी एडिशनल फीचर्स दैट विल से प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशन एंड दिस इज इट्स ब्रांड आइडेंटिटी एन इमेज तो अगर ये मोबाइल फोन में अगर एक पॉपअप कैमरा होता आपको याद होगा कुछ कंपनीज ने पॉपअप कैमरा निकाला आप जैसे क्लिक करते हो कैमरा निकल के आता है और फिर फोटो खींचता है और अभी पहले सिंगल कैमरा था फिर डुअल कैमरा हुआ अब तीन कैमरा चार कैमरा कोई बड़ी बात नहीं है कि पीछे आधी स्क्रीन कैमरे से भर जाए आने वाले समय में तो दिस इज दी ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम कॉम्पिटिशन कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट डिसाइड करेंगे ये भी हो सकता है कि जो आज की डेट में ऑग्यूमेंटेड हो कल को वो एक्सपेक्टेड बन जाए तो जब डबल कैमरा आया तो सबने कहा डबल कैमरा तो होना ही चाहिए फ्रंट कैमरा भी चाहिए और रियर कैमरा भी चाहिए लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे तो डबल कैमरा वॉज बेसिकली एन ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट का पार्ट लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री में नॉर्म बन गया तो ये क्या बन गया एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट और लास्ट में आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट यानी कि भैया और क्या हो सकता है भविष्य में जो इस प्रोडक्ट को एक लेवल और आगे ले जाए सो दिस रिफर्स टू ऑग्यूमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्ट में अंडर गो इन द फ्यूचर तो अगर आज मेरे को सेल्फी खींचनी होती है तो मेरे को ऐसे करना होता है ऐसे या आई हैव टू टेक अ सेल्फी स्टिक एंड क्लिक अ फोटोग्राफ वो दिन भी दूर नहीं जब मैं इसमें बटन क्लिक करूं तो ये फोन उड़ के जाए अपने आप ड्रोन बन के और हवा में से जाके शॉट लेके अपने आप ही वापस मेरे हाथ पे आ जाए सो दिस कुड बी कैन थिंक ऑफ अ पोटेंशियल प्रोडक्ट राइट तो आई होप आपको ये लेवल्स भी क्लियर हो गए प्रोडक्ट के और इस तरीके से आपको बात भी समझ में आ गई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो द करेक्ट आंसर वॉस नंबर थ्री एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वाइ दिस इज वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट टू बी पीरियड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन टिपिकल बीसीजी सी मेट्रिक्स फ्लो ऑफ दी सरप्लस कैश और कैश फंड जनरेटेड हैपेंस फ्रॉम तो जाहिर सी बात है बीसीजी मैट्रिक्स मैट्रिक्स जिसको हम हम बोलते हैं ग्रोथ शेयर आपको याद होगा एक एक्सिस पे प्लॉट uh, करते हैं मार्केट शेयर और दूसरे एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं मार्केट का ग्रोथ रेट और चार कॉड्स हम बनाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जिनका मार्केट शेयर भी हाई ग्रोथ रेट भी हाई कुछ प्रोडक्ट्स दोनों तरफ से लो कुछ प्रोडक्ट्स एक चीज हाई और दूसरी चीज लो तो चार प्रोडक्ट्स की बात होती है आपको याद होगा उसमें काउस का बात किया था हमने डॉग्स का बात किया था हमने क्वेश्चन मार्क का बात किया था हमने और स्टार्स का बात किया था तो वहां से ये क्वेश्चन है आपको बताना है कि जिस भी जगह कैश या फंड्स का सरप्लस होता है पैसा वहां से किस तरफ को जाना चाहिए या होता है एक टिपिकल बीसीजी मैट्रिक्स में cash का उसे डॉग्स की ओर कैश का उसे स्टार्स की ओर स्टार्स से कैश का की तरफ स्टार्स से क्वेश्चन मार्क्स की तरफ डॉग्स से क्वेश्चन मार्क की तरफ अब यहाँ पर देखो आप एलिमिनेशन का कंसेप्ट लगा सकते हो सरप्लस फंड्स आपको अच्छी तरह पता होगा कि केवल और केवल कैश काव से ही बनते हैं तभी तो उसका नाम है कैश काउ तो जो कैश काउ वाले एसबीय स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होते हैं दे आर जनरेटिंग सरप्लस कैश एंड दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी और दो फंड यूटिलाईज टू इम्प्रूव

और यहां से पैसा हम क्वेश्चन मार्क्स में भी लगाते हैं कभी कभी कि किसी तरीके से क्वेश्चन मार्क्स को स्टार बना लिया जाए और जब उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा तो धीमे धीमे उस पर जो किया जा रहा है खर्चा उस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए उस एसबीओ को मेंटेन करने के लिए वो कम कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा कैश सो कैश का उससे द फ्लो ऑफ बेसिकली द कैश फ्लो हैपन फ्रॉम कैश क्वेश्चन मार्क्स और टुवर्ड्स स्टार्स क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन यहाँ नहीं था बट स्टार्स का ऑप्शन था सो यर टू पिक जेस ऑफ इट्स एक्सटर्नल इनवायरमेंट इज रेफर्ड टू एस तो जिस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कंपनी के इंटरनल केपेबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन के और बाहर के एनवायरमेंट दोनों को हिसाब से हम अगर कंपैरिजन बनाए और अगर हम कंपैरिजन करें और एनालाइज करें तो क्या मेथड है क्या ये बीसीजी एनालिसिस है नहीं मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बोला कि बीसीजी मैट्रिक्स ये नहीं होता वो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स होता है वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं वैल्यू चेन तो माइकल पोर्टर ने कंसेप्ट दिया था ये नहीं है स्टेक होल्डर्स एनालिसिस दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट टू द क्वेश्चन शॉर्ट एनालिसिस यस स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स तो जो हमारे स्ट्रेंथ है और जो हमारे वीकनेसेस हैं ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते थे और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमारे जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते थे तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की यहां बात हो रही है सो शॉर्ट एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राइट इस तरीके के सारे कंसेप्ट मैंने बहुत ही डिटेल में अपने इस वीडियो कोर्स में बनाए हैं जिसका की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आप ये लिंक से डेमो वीडियोज भी चेक कर लीजिए और इस वेबसाइट पे जाके आप हमारा ये इसको पूरा डिटेल से देख सकते हैं डब्ल्यू वहां पर आपको कोर्स मिलेगा लिंक नीचे दिया गया है आप एक कोड भी लगा सकते हैं जे थर्टी जिससे यू विल गेट दिस कोर्स For rupees to only. This includes 30 plus hours of video contents. Now this is 35 plus hours now because I've added some more videos. Up lectures, unke PDFs downloadable format for the last minute preparation. The classes are basically in English medium, so you'll get to have an understanding of the marketing concepts and very easy to understand English language. Doubt sessions I'm available. I've already shared my telegram link and I'm also available on phone i'll put a scroller telegram or whatsapp connect after this slide and the best part is once you clear the main's examination will be covered for the interview preparation as well your interview preparation is on me i'll take care of your interview preparations as well 350 plus mcqs are there with this video solutions and explanations and additional 325 mcqs in form of pdf i have already uploaded them

टर लेना है और मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स है टू डोर लो सिंगल डोर लो थ्री डोर लू आजकल वो भी आ गए हैं जिनका फ्रीजर नीचे है और फ्रिज ऊपर है फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दी वाइडेस्ट रेंज ऑफ रेफ्रिजरेटर विच दी बायर कंसिडर्स इन समॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इट्स गुगली क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली तो यहां पर जो आंसर होगा दैट विल बी अ चॉइस चॉइस सेट सेट ये क्या है अवेयरनेस सेट क्या है टोटल सेट क्या है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा पहले तो आप नोट कर लें इसका आंसर चॉइस सेट है अब देखें द टोटल सेट शोज अभी टोटल सेट क्या है टोटल सेट सेट शोज दी ब्रांड अवेलेबल टू कंज्यूमर अब मेरे को फ्रिज लेना है और मेरे शहर में जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं या फॉर दैट मैटर फ्लिपकार्ट या एमेजॉन पे भी जितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो हो गया टोटल सेट हायर का भी ले सकता हूं मैं एल का भी ले सकता हूं कलविनेटर का ले सकता हूं गोदरेज का ले सकता हूं सैमसंग का ले सकता हूं वट एवर कंपनी अवेलेबल बिकम्स ए टोटल सेट लेकिन इस टोटल सेट में से अवेयरनेस सेट वो कहलाएगा जिनके बारे में मुझे पता है क्या आपको पता है कि ब्लू स्टार भी बनाता है रेफ्रिजरेटर्स मे बी मे बी नॉट अगर तो आपको ब्लू स्टार के बारे में नहीं पता तो वो आपके टोटल सेट में तो आएगा आपके अवेयरनेस सेट में नहीं आएगा बात समझ में आया आप जानते हैं कि हाँ, किलविनेटर मुझे पता है मुझे सैमसंग मुझे पता है एल मुझे पता है लेकिन क्या आपको पता है कि महाराजा व्हाइट लाइन भी रेफ्रिजरेटर बनाता है मे बी नॉट तो वो आपके अवेयरनेस सेट से बाहर हो जाएगा इसके बाद कंसिडरेशन सेट सो शोज द्रांस विच मीट द इनिशियल बाइंग क्राइटेरिया अब आप इनको कंसिडर कर रहे हो ब्राइन का, क्राइटेरिया के हिसाब से अभी तक आप जो है आप इनको कंसिडर कर रहे हो लेकिन ये कैसा इनिशियल बाइंग क्राइटेरिया शुरू शुरू में आपने कहा चलो ठीक है ये चार ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर्स लेट मी गो एंड चेक आउट बट चॉइस सेट में वो आएंगे जो आपकी इनिशियल चॉइस बनेगी दिस इंक्लूड्स अ फ्यू ब्रांड्स विच रिमेन एज स्ट्रॉग कंटेन्डर्स यू हैव लुक एट द्वेश्चन विच द बायर कंसिडर्स इन सम फॉर्म कंसिडर्स से मतलब है कंसिडर्स बाइंग तो आप तभी खरीदने की सोच तो जब आप कुछ ना कुछ शॉर्टलिस्ट कर लेते हो आपके पास दिमाग में दो तीन ही चीजों को लेके कंफ्यूजन है आपने शॉर्टलिस्टिंग कर लिया तो चॉइस सेट यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा राइट तो ये कहानी हो गई बात समझ में आया सो द करेक्ट आंसर इज द चॉइस आई होप ऑल द टर्म्स आर नाउ अंडरस्टैंडेबल एंड हैव यू अंडरस्टूड नाउ दिस इज एन इजी वन फॉर यू द लास्ट क्वेश्चन टुडे द नेम यू कैन बैंक अपॉन इज द टैगलाइन ऑफ व्हिच बैंक इज इज द टैगलाइन ऑफ द कैनरा बैंक यूको बैंक यूनियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक और नन ऑफ दीस सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पंजाब नेशनल बैंक सो द नेम यू कैन बैंक अपॉन Is the tagline of the Punjab National Bank. So, guys, I'm gonna catch you up again on Friday. फ्राइडे को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे और सैटरडे को हम करेंगे मार्केटिंग अवेयरनेस सो स्टे विद मी गोइंग गोनो अपलोड दूल ऑफ ऑल दोज वीडियोस वेरी वेरी सोन यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड यू कैन ज्वाइन मी इन योर प्रिपेरेशन फॉर आई बीपीएसिंग ऑफिसर मेन्स एग्जामिनेशन एंड प्लीज डू चेक आउट दि कोर्स बी रियली रियली हेल्पफुल इनकेस यू वॉन्ट टू हैव अ सॉलिड प्रिपरेशन फॉर योर मार्केटिंग ऑफिसर एक्जाम एंड यू वॉन्ट टू लीव नो स्टोन अंटर्न बुक्स आर देर बुक्स से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी

एक एक चैप्टर के हिसाब से चलेंगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ दी कोर्स आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको पढ़ने का एक सीक्वेंस मिलेगा आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर प्लान एंड टाइम अकॉर्डिंगली ऑन दिस हेल्प ऑफ दी बुक्स बुक्स विल बी देयर फॉर दी रेफरेंस पर्पज आई वुड से यूज बुक्स एज रेफरेंस एंड यूज दी वीडियो कोर्स फॉर दी लर्निंग राइट सो आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो यू दीडियो Don't forget to subscribe to the channel and please make sure that you share this with other friends and you also comment on what additional videos you want me to put up for IBPS SO Marketing Mains. Till then, bye bye. God bless you.